हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अली जैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि नए बॉल को स्विंग कैसे किया जाता है, इन स्विंग कैसे की जाती है, आउट स्विंग कैसे की जाती है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हम इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हमारी स्विंग करने के लिए रिस्ट पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये शाइनी साइड किस तरफ होनी चाहिए, रफ साइड किस तरह होनी चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बॉल को स्विंग करे। तो आज इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ग्रिप कैसे होनी चाहिए जब हम स्विंग करेंगे, तो उसके लिए हमारी ग्रिप किस तरह होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी दोनों फिंगर जो हैं वो सीम के ऊपर होनी चाहिए और सीम ही की वजह से हम स्विंग करते हैं, और हमारा जो थंब पोजीशन है वो नीचे सीम के नीचे होना चाहिए। इससे हम अच्छी स्विंग करेंगे, हमारी ग्रिप अच्छी होगी तो हम ऑटोमेटिकली स्विंग भी अच्छे करेंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी बात है, वो है रिस्ट पोजीशन। आपकी रिस्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये ही आपका मेन वेपन है विद द न्यू बॉल, जिससे आप एक अच्छी स्विंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी रिस्ट जिधर मूव करेगी आपका बॉल ऑटोमेटिकली उधर ही मूव करेगा। मतलब अगर आपकी रिस्ट इनसाइड लॉक रहेगी और इनसाइड मूव करेगी तो आपका बॉल 90% इन स्विंग होगा। अगर आपका बॉल आउट स्विंग आपने करनी है तो अगर आप आउट बैर की तरफ मूव करेंगे तो आपका बॉल आउट स्विंग होगा। इसलिए आपकी रिस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको चाहिए कि रिस्ट पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन स्विंग कैसे की जाती है। उसके लिए आपने अपनी बॉडी को पूरा अंदर की तरफ फिनिश करना है और आपने अपनी रिस्ट को इनसाइड फिनिश करना है। अगर आप अपनी बॉडी को अंदर की तरफ फिनिश करेंगे और आपकी रिस्ट पोजीशन भी अच्छी इनसाइड फिनिश होगी तो आपका बॉल ऑटोमेटिकली इन स्विंग होगा। इसी तरह अगर आपने आउट स्विंग करनी है तो आपने अपना एंगल चेंज कर देना है। आपने आउट स्विंग करने के लिए अपने रिस्ट को बैर की तरफ मूव करना है और अपनी बॉडी को पूरा बैर की तरफ फिनिश करना है तो आपका ऑटोमेटिकली आउट स्विंग होगा। उसके लिए अब आपसे मैं मेन पॉइंट शेयर करूंगा, वो ये है कि जो शाइनी साइड होती है और रफ साइड होती है, हमें इन स्विंग करने के लिए शाइनी साइड को किस तरफ रखना चाहिए और आउट स्विंग करने के लिए शाइनी साइड को किस तरह रखना चाहिए, वो मैं अब आपसे मेन पॉइंट शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ज़रूरी बात जो है, जब आपने इन स्विंग करनी है तो जो आपकी शाइनी साइड होगी वो बैर की तरफ होगी, ठीक है। जब आपने इन स्विंग करनी है तो मतलब ये मेरी शाइनी साइड है, इसको मैंने बाइड की तरफ रखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने आउट स्विंग करनी है तो आपने एंगल को चेंज कर देना है और आपने जब आउट स्विंग करनी है तो आपने शाइनी साइड को अंदर की तरफ करना है। ये बहुत ज़रूरी है शाइनी साइड। जब तक आप अपना फिनिश पॉइंट अच्छा नहीं करेंगे और आपकी रिस्ट पोजीशन अच्छी फिनिश नहीं होगी तो आपका कभी भी बॉल स्विंग नहीं होगा। अगर आप अच्छा फिनिश करेंगे और आपकी रिस्ट पोजीशन भी बिल्कुल अच्छी फिनिश होगी, मतलब रिस्ट पोजीशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने इन स्विंग करनी है तो रिस्ट पोजीशन को अच्छी तरह पूरी बॉडी को अंदर की तरफ फिनिश करें तो आपकी अच्छी इन स्विंग होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी स्विंग अच्छी नहीं होगी। इस पर आपको चाहिए कि आप काम करें, जितना आप हार्डवर्क करेंगे उसके बाद आपको चीज़ें आएँगी। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें। उम्मीद है टाइम के साथ आप इन चीज़ों को सीख। एक और बात मैं आपसे शेयर कर दूं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो नया बॉल होता है ना, नया बॉल, उसने ऑटोमेटिकली स्विंग होना है। आप चाहे एक बच्चे को दे दें, उसे कहें कि बॉल करें, वो स्विंग होगा। नए बॉल ने स्विंग होना ही होना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पे, आपके पास कितना कंट्रोल है, आप किस एरिया से स्विंग कर रहे हैं। आपके आप अच्छे एरिया से स्विंग कर रहे हैं तो आपकी बॉल भी अच्छी होगी। अगर आप गलत एरिया से स्विंग करेंगे तो आपका बॉल बिल्कुल गलत स्विंग होगा, वो वाइड बॉल होगा, जो आप करना चाहेंगे वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कंट्रोल है, किस एरिया से आप स्विंग करते हैं। नए बॉल ने स्विंग तो होना ही होना है। वो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे एरिया से स्विंग करें और अच्छी लाइन और लेंथ पे आप बॉल को डालें। आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यार, इससे होता आपको कुछ भी नहीं है, आपके पैसे नहीं लगते, सिर्फ मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। आपको चाहिए कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हम इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रिवर्स स्विंग किस तरह करनी चाहिए पुराने बॉल से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।